नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय क्रूप्स फैशन। क्रूप्स फैशन एसके इन्फोकॉम। आसनसोल नगर निगम की ओर से छठ के अवसर पर 10 टेबलों निकाली गई। मौके पर मेयर जितेन तिवारी, एमएमआईसी अभिजीत घटक, रबीउल इस्लाम, तरुण बैनर्जी और निगम कर्मी मौजूद रहे। अवसर पर मेयर जितेन तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा से निगम के सभी वार्डों में महापर्व छठ के बारे में ये 10 टेबले जानकारी देंगी। माँ माटी मानुष की सरकार जनता के साथ हमेशा खड़ी रहती है। आसनसोल में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाते हैं। প্রত্যেক বছরই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ছট পুজোর প্রচার প্রসারের জন্য এবং দর্শনার্থীদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য প্রত্যেক বছরই 10টা করে ট্যাবলো আমাদের 3 দিন ধরে বিভিন্ন ছট ঘাটে পরিক্রমা করে, আসানসোলে পরিক্রমা করে। এবছর আজ তার শুভ উদ্বোধন হলো এবং 3 দিন ধরে এটা বিভিন্ন ছট ঘাটে যাবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর যে মেসেজ ছটবর্তীদের কাছে তার যে শুভেচ্ছা বার্তা সেটা এটা পৌঁছে দেবে। আসানসোল কর্পোরেশন এলাকায় প্রচুর মানুষ ছট পুজো করে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ছট পুজো উপলক্ষে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ছুটি ঘোষণা করেছেন। তাই আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আসানসোলের মানুষকে ছট পুজোতে শুভেচ্ছা জানাই এবং এই ট্যাবলো বার করে আমরা আসানসোলের মানুষকে এই ছট পুজো করার জন্য তাদের যে সুবিধা অসুবিধাগুলো আছে সেগুলো আমরা সলভ করার জন্য নানান ঘাটে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং এই ছটের যে ট্যাবলো এটা পুরো কর্পোরেশন এলাকা প্রদক্ষিণ করবে। कल्ला स्थित प्रभु छठ घाट में साजो सज्जा अपने अंतिम चरण पर है। पूरे घाट का निरीक्षण करने के लिए क्लब के सर्वे सर्वा सह विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद पहुंचे। इस बार छठ घाट का मुख्य आकर्षण पुलवामा हमला और चंद्रयान का दृश्य होगा। कृष्णा प्रसाद ने सभी से अनुरोध किया कि घाट पर पटाखे ना फोड़े और शांतिपूर्ण छठ पर्व मनाए। मैं कृष्णा प्रसाद प्रभु छठ घाट के तरफ से तमाम भक्तजनों का छठ पूजा के उपलक्ष में सभी को अभिनंदन, नमस्कार और शुभेच्छा। ये प्रभु छठ घाट आज ये साल 42 ईयर्स होगा, 42वां साल होगा। हम लोगों का आज एक महीना से 35 दिन मान के चलिए 1.5 महीना के आसपास हो गया, 35 दिन के आसपास हो गया, हम लोगों ने यहाँ के कार्य शुभारंभ किए थे पूजा अर्चना के साथ में। हमारे मंत्र जो पंडित जी थे बागेश तिवारी जी के माध्यम से हुआ था, उस पूजा अर्चना के द्वारा हम लोगों ने यहाँ शुभारंभ किया था प्रभु छठ घाट का कल्ला। और आज आपका नहाए खाए है, कल खरना है, 2 तारीख को संध्या अर्घ है और 3 तारीख को उषा अर्घ, सूर्योदय के साथ में जो अर्घ होता है। तो मैं
तमाम आसनसोल शिल्पांचल पूरे पश्चिम बंगाल पूरे हिंदुस्तान के जितने भी छठव्रती हैं जितने भी श्रद्धालु हैं सभी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि छठ पूजा सभी के परिवार में कुशल मंगल और बढ़िया तरीका से हो और सभी कोई शांतिप्रिय ढंग से मनाए। मैं एक निवेदन भी करता हूँ शिल्पांचल से, आसनसोल शिल्पांचल यहाँ का विशेष जो है ये त्यौहार अगर देखा जाए तो बिहार से उमड़ के आज पूरा विश्व में पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड में छठ पूजा मनाया जाता है, हर धर्म जाति के लोग मनाते हैं। तो मैं एक निवेदन करूँगा सभी से कि छठ घाट में जो छठव्रती रहते हैं श्रद्धालु रहते हैं जो भी माताएं बहनें रहती हैं आतिशबाजी होता है उससे बहुत तरह के समस्या उत्पन्न होता है। तो मैं सबको ये निवेदन करूंगा कि आप लोग घाट पे आप लोग आतिशबाजी ना करें, इसमें दुर्घटना घट आप समझिए कि करीब करीब 36 से 48 घंटा निर्जला बगैर जल का। तो ये क्या होता है एक अगर आतिशबाजी होगा ये जो आवाज़ होगा उससे इफेक्ट पड़ता है छोटे बच्चे पे सबको माहौल बिगड़ता है इसमें पॉल्यूशन होता है। तो मैं पूरा हिंदुस्तान मैंने सभी को मैं ये निवेदन करूंगा अपने जो आप देख रहे हैं ये आपका छोटा भाई या आपका छोटा लड़का के हिसाब से आपका आप मान के चलिए मैं निवेदन करूंगा जितने भी आसनसोल चाहे शिल्पांचल पश्चिम बंगाल के आप लोग पूरा हिंदुस्तान में आतिशबाजी ना करें, आतिशबाजी में तकलीफ होता है हमारे छठव्रतियों का सबको, ये मेरा निवेदन है। और देखिए ये प्रभु छठ घाट का एक विशेषता है यहाँ साफ सफाई इस बार अद्भुत है। जैसे आपको जो पुलवामा में जो घटना घटा था वो हम लोग ये दर्शित करेंगे चंद्रयान करेंगे बहुत सारा प्रोग्राम है, ये आज सफाई के मामले में लेकर के ये अद्भुत मैंने ये पूरा पश्चिम बंगाल में एक जगह रखता है। छठ घाट बहुत है बड़े बड़े छठ घाट है सभी कोई सफाई करते हैं लेकिन हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं जो जितना कर पाता हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे माताएं बहनें जितने भी हैं उनको कोई भी तरह का कष्ट ना हो कोई भी असुविधा ना हो कोई भी तकलीफ ना हो। कि जो दंडवत आप मान के चले यहाँ से 5-5 किलोमीटर दूरी से जो दंडवत आते हैं माताएं जो उनको बहुत कष्ट होता है रास्ता में लेकर के पानी से लेकर रास्ता मरम्मत को लेकर के। आप देखिए हम लोग आरा डंगाल से वहाँ से मरम्मत करते हुए आ रहे हैं ये जो 2.5-3 किलोमीटर का मरम्मत है रास्ते को सफाई का पानी का व्यवस्था का लाइट का आपका यहाँ पर जो भी है मान लीजिए कि अगरबत्ती का है माचिस का है धूप का है लकड़ी का है आम के जो लकड़ी है आपका गोईठा का है और बहुत सारे दूध का है सारा कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। आप लोग आइए शांति। चिकित्सा में लापरवाही के कारण एक माँ की बच्ची मौत के कारण परिवार वालों ने बेसरकारी अस्पताल पर आरोप लगाया। अंग्रेज बाजार थाना अंतर्गत एक बेसरकारी अस्पताल में बुधवार को मसीदुर रहमान ने अपनी एक महीने की बच्ची को एडमिट करवाया जिसे टीकाकरण के कारण इन्फेक्शन हो गया था। सुबह उसका शल्य चिकित्सा से इलाज करवाया गया फिर बच्ची को नर्सिंग होम ने अपने कस्टडी में ले लिया और परिवार वाले घर लौट गए कि अचानक रात को अस्पताल से फोन कर जानकारी दी गई कि बच्ची की मौत हो गई। जब परिवार वालों ने मौत का कारण जानना चाहा तो प्रबंधन सटीक जवाब नहीं दे पाया। फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा गया तो अस्पताल के सभी सीसीटीवी फुटेज 10 बजे के बाद मिटाया हुआ पाया गया जिस कारण अस्पताल प्रबंधन पर शक गहराता जा रहा है। Yeah!
चलो 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 सामने चलो হ্যাঁ, ব্রেস্ট ফিডিং মা প্রায় 10টার দিকে রাত্রে আমি এসো না, মার 10টার সময় দুধ খাই গিয়েছে এবং তারপরে ডাক্তারও দেখে গেছে এবং ডক্টর ঝা বলেছেন যে পেশেন্ট বাড়ির লোককে বলেছেন যে পেশেন্ট যেরকম উনি অনুভব করছেন ওই মুহূর্তে থাকা কথা সেরকমই ছিল। না, সেই ঘটনাটা যখন ঘটেছে তখন তো আমি সিস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা তো আমি এক্স্যাক্টলি ওই সময়টা ছিলাম না। সিস্টার বলেছে প্রায় স্যার আমিও ঘড়ি দেখিনি ওই সময়টা, কিন্তু ওই দুটো ধারে পাশের ঘটনাই হবে। দুটোর সময় কি মা এখানে হাসপাতালে ছিল? না, মা ছিল। বলছি 29 দিনের বাচ্চা, মাকে তার সাথে থাকার পারমিশন দেওয়া হলো না? যেহেতু বাচ্চাটা এটা যিনি ডাক্তার চিকিৎসা করেন বা যিনি ডাক্তার রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকেন ওনার প্রেরোগেটিভ যে বাচ্চাটা কোথায় থাকবে, যেহেতু বাচ্চাটা NICU থাকবে এই জন্য NICU মা অ্যালাউড না। যা মনে হচ্ছে আমিও বিস্তৃতভাবে এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত আমার ইন্টারনাল লেভেল থেকেও করব যে ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট না গাফিলতি। কিন্তু এখনও আপাত দৃষ্টিতে আমি RMO-র সাথে বা যিনি অন ডিউটি সিস্টার ছিলেন তিনার সাথে কথা বলেছি, এখন পর্যন্ত আমার তাই মনে হচ্ছে যে এটা সিম্পলি একটা অ্যাক্সিডেন্ট এবং এটা কাম্য নয়। মানে অ্যাক্সিডেন্ট তো কোনো সময় কাম্য থাকে না। ওয়াক্ত চলা হ্যায় এক ছোটে সে ব্রেক কা। शिल्पांचल में यूँ तो कपड़ों की दुकानों की भरमार है, लेकिन प्रूफ फैशन की बात ही कुछ और है। यहाँ लेडीज के लिए ऑल टाइप ऑफ साड़ी, लहंगा, कुर्ती, प्लाजो, गाउन, सूट, ऑल टाइप ऑफ जींस। वहीं जेंट्स के लिए फॉर्मल शर्ट, पैंट, टी शर्ट, बरमूडा, जींस मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध है। साथ ही साथ पूजा ऑफर में 20% तक की छूट और अट्रैक्टिव गिफ्ट्स तो आज ही आए। हमारा पता है मुर्गा सॉल, GT Road, ऑपोजिट मालती मंगल प्लाजा, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए SK इन्फोकॉम में। SK इन्फोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना SK इन्फोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। SK इन्फोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC Road, इतवारी मोड। मैथन OP अंतर्गत संजय चौक के समीप आज सुबह दो बच्चे लावारिस हालत में मिले। बच्चों को रोता देख वहां भीड़ लग गई, वहां तरह तरह की बातें होने लगी जिसकी जानकारी मैथन OP प्रभारी को दी गई। मैथन पुलिस आकर बच्चों को अपने साथ OP ले गई तो पता चला कि बच्चे अपनी नानी घर आए थे जो खेलते खेलते रास्ता भटक गए। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चों की माँ आई थी तथा उन्हें बच्चा सौंप दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, कल इसी समय इसी जगह पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।